दक्षिण नागपुर के अंतर्गत आने वाले प्रभाग 50 स्वागत नगर सर्वज्ञ चौक स्थित दुकानों और मकानों में बड़े पैमाने पर पानी जमा होने से दुकानदार के कामकाज बंद पड़े हैं, तो वहीं मकानों में पानी जमा होने से लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं। हद से ज्यादा ऊंचाई वाले सीमेंट रोड बनने से यह समस्या निर्माण हो गई है, लेकिन इस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं है, ऐसा स्वागत नगर के नागरिकों का कहना है। पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरे, इनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट सर्वज्ञ चौक के स्वागत नगर से। प्रशासन दे ध्यान में मी निधि फैब्रिकेशन मधून बोलता है। ये तो मला 16 वर्ष झाले आहे। अगोदर रोड नव्हता, कुठे होती इथे, आणि याच्यानंतर रोड बनला तर यायला म्हटलं मी खोदून करा, तर त्यांना त्याच्यावरच रोड बनवला आहे आणि आता पाणी जमा झाला आहे आणि इथं कोणी लक्ष देणारा नाही। माझे चार दिवस झाले माझं दुकान बंद आहे, MECBची लाईट बी बंद आहे, मी काय करणार आहे? डिसेनवाले काय सांगते मला त्याचं हे पाहिजे। डिसेन यहाँ पे जो रोड बना आहे सिमेंट रोड, ये 1.5 ते 2 फूट ऊंचा हुआ है, इसके वजह से लोगों के घर में पानी भर रहा है। दुकानदारी के लोगों की दुकान में पानी घुस रहा है, घरों के लोगों के घर में सांप निकल रहे। ये रोड 1.5 से 2 फूट खोद कर सीमेंट रोड बनाने को ना था, साइड में नाला बनाने को ना था, उसके बाद में ये रोड करने को ना था। ये ऊंचा होने की वजह से लोगों के घर में पानी जा रहा है। प्रभाग 50 मध्ये आपण इथे उभे आहोत। सर्व ठिकाणी पाणीच पाणी साचलेलं आहे। हा एरिया स्वागत नगर येतो, इथे हा नरसा मेन रोड आपल्या इथं बनलेला आहे। तर इथे जेव्हा इथे डांबरीकरण होतं त्यावेळेस सिमेंट रोड करायचा, तर त्याला 1.5 फूट खोदून त्याच्यावर सिमेंट रोड करायला पाहिजे होता, पण या वरच्या लोकांनी, अधिकाऱ्यांनी, इंजिनियरनी, PW लोकांनी याच्यावर सरळ तशावरच सिमेंट रोड टाकला, त्याच्यामुळे हा 2 ते 2.5 फूट रोड उंच झाला। म्हणून इकडल्या साईडच्या रस्त्यातले वस्ती जी आहे ते डाऊनमध्ये गेली, म्हणून पूर्ण लाईनमध्ये राईटमध्ये म्हणजे दक्षिणेकडे भागामध्ये पूर्ण पाणी साचलेलं आहे। पाणीच पाणी, जलमय पाणी झालं। लोकांच्या घरामध्ये साप, गांडूळ, पाणी 1-1 फूटपर्यंत वर गेलेलं आहे, तरी प्रशासनाने जाग आलेला नाही। भाई 2017 में इस एरिया का जब पार्षद बना तो ये एरिया में ना रोड था, पीने का पानी नहीं था। तो सबसे पहले जब ये एरिया के पालक मंत्री बावनकुड़े साहब बने तो सबसे पहले हमने डिमांड रोड की किया, क्योंकि घर जाने के लिए किसी के लिए रास्ता नहीं था, बच्चों के लिए जाने के लिए ऑटो उनके घर तक नहीं जाता था। उसके लिए पहले 100 करोड़ के ऊपर रोड बनाया, उसके बाद में पीने के पानी की बहुत तकलीफ थी। हमारे सब महिला भगिनी पानी के टैंकर की राह देखते थे, इसीलिए उसके पीछा करते हुए हमने पानी की 4 टाँकी बना के सबके घर में नल पहुँचाया, पीने के पानी का पूरा नियोजन किया। उसके बाद में हमारे यहाँ पता लगा कि थोड़ा शोर लाइन की तकलीफ है, उसके लिए भी मैंने कॉर्पोरेशन में इस एरिया का पूरा DP प्लान बना के 154 करोड़ का पूरा इस्टीमेट बना के उसको हाउस में पास करके गवर्नमेंट के पास भेजा है। लेकिन गवर्नमेंट अभी 2 साल से कोरोना की हालत होने के बावजूद उन्होंने हमको निधि न देने के बाद ये काम रुका है, लेकिन वो भी समस्या आप कुछ दिन के बाद छूट जाएगी।